कितना प्यारा हो गया है मेरा स्किन, पहले आपने देखी थी एंड अब देख लीजिए। वेलकम टू द माई ब्रांड न्यू चैनल एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन माई चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक फेशियल का रिव्यू करने वाली हूँ। वो है ये अरोमा का फेशियल किट, जो कि आपको ब्राइडल लुक देता है। ठीक है, ये बलूसम कोचर का ब्रांड है। अरोमा मैजिक 7 स्टेप है इसके अंदर, और ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है तो मुझे पता है इसका रिव्यू कैसा है। बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है, मतलब आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट हैं और पिगमेंटेशन है, जो भी है, आपकी स्किन पूरी तरीके से ख़राब हो रही है तो एकदम नई वाली चमक आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ग्लो आ जाता है इसको लगाने से, बिल्कुल ब्राइडल वाला लुक आ जाता है। और है भी ये ब्राइडल ग्लो फेशियल। ठीक है, तो इसमें है 7 स्टेप, रेड कलर के पैकेजिंग में आता है ये, और इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। तो 150 में 7, और इससे आप 2 बार कर सकते हैं, 2 या 3 बार अपना फेशियल कर सकते हैं आराम से। काफ़ी यूज़ क्वांटिटी होती है इसके अंदर। मैं इसके पैकेट दिखाती हूँ आपको, ये इसके पैकेट्स है। अच्छा ब्रांड है ये बलूसम कोचर, इसके साथ आपको सनस्क्रीन वगैरह ये सब मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है फेस क्लींजर, सेकेंड है ये एक्सपोल जेल, ये सीरम मिल जाएगा। फोर्थ है ये नरिशिंग क्रीम, एंड फिफ्थ है फेस पैक, सिक्स्थ है हाइड्रेटिंग जेल, एंड सेवन्थ है सनस्क्रीन। सो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं इस फेशियल पे। आपको लगेगा कि 150 रुपीज़ में आपके पैसा वसूल हो गया है, और उस रेंज में ये फेशियल देता है। काफ़ी अच्छा इससे ग्लो आ जाता है, एंड ये आपको मिल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर सारे चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है, तो 7 स्टेप जो भी है ये सब इसमें मेंशन है। सो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ये ले लिया एक टॉवल, गीला टॉवल ले लिया है मैंने। इससे पहले मैं अपने फेस को ऐसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ठीक है, मैंने अपने बाल बांध लिए हैं। फर्स्ट स्टेप है फेस क्लींजर, इससे आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, डर्ट रिमूव कर सकते हैं। इसको लगाने से आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग हो जाती है, एंड ये ऑल स्किन टाइप्स है। तो आपको क्या करना है, इसको अपने फेस पे लगाना है, 3 मिनट के लिए बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करनी है, और फिर आपको क्या करना है, गीले कपड़े से इसको साफ कर लेना है। सेकेंड है हमारे पास ये एक्सपोर्ट का जेल, एक्सपोर्ट जेल डेड सरफेस सेल्स, ब्लैक हेड्स एंड फाइन लाइंस को कवर करता है, स्मूथर एंड सॉफ्टर बना देता है, स्किन ग्लो कर देता है जस्ट अ 1 डे। सेचे नंबर 2 को पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, एंड याद रखना है कि आपको अपने आँखों पे नहीं लगाना है, आँखों वाले एरिया को छोड़ के पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एंड 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, ड्राई फिंगर लेना है, मतलब सूखी उंगली होनी चाहिए आपकी, उससे आपको 3 मिनट के लिए मसाज कर लेनी है, और फिर आप किसी कॉटन से या गीले टॉवल से पोंछ सकते हैं। स्टेप 3 में है सीरम, जो कि आपको बहुत ही सावधानी से आप इसको तोड़ना है। मैंने काफ़ी कोशिश करी बट मुझसे नहीं टूटा, बहुत ही मुश्किलों से टूटा है ये। काफ़ी ट्राई करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट लगे मुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला जो कांच होता है वो है, तो बहुत ध्यान से आप इसको तोड़ना। एंड इसमें ये सीरम सिर्फ कॉस्मेटिक यूज़ के लिए है, इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस टाइम पे मैं बहुत इरिटेट हो गई थी बिकॉज़ ये टूट नहीं रहा था। गाइज, इसको बहुत ही ध्यान से आपको तोड़ना। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे इसका कांच लग गया है, तो ये गलत चीज़ है। मुझे इसमें इनकी पैकेजिंग इसको थोड़ी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी से ये नहीं टूटता है। सो खैर, अब टूट गया है तो बताते हैं इसको। सीरम को आपको अपने पूरे ऑल ओवर द फेस पे लगा लेना है, एंड नेक पे भी लगा लेना है, एंड 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको साफ़ नहीं करना है, ऐसे ही 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिकॉज इसके ऊपर ही हमें स्टेप 4 ट्राई करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। स्टेप 4 में है नरिशिंग क्रीम,
ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है एंड मुलायम कर देता है। इसमें दावा किया गया है कि ये दमकती एंड जवान त्वचा प्रदान करता है हमें, ठीक है। स्टेप 4 में विटामिन ए सी ई एंड प्योर एसेंशियल ऑयल पाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा तो होने वाला ही है ये। एंड आपको इसको लगाना कैसे, जैसे आपने थर्ड वाला सीरम अपने फेस पे लगाया था उसको पोंछा नहीं था, तो उसी के ऊपर आपको ये लगा लेना है स्टेप नंबर 4। एंड आँखों वाले हिस्से पे भी लगाना है आपको, 15 मिनट तक लगे रहने देना है। 15 मिनट बाद आप किसी भी गीले टॉवल से या वाइप से इसको पोंछ सकते हैं 3 और 4 को, दोनों को। स्टेप 5 है फेस पैक एंड AHA पैक डेट बैलेंस अनइवन स्किन टोन। मतलब जो अनइवन स्किन होती है हमारी, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, उसको एक समान बना देता है ये। स्किन को ब्राइट कर देता है, स्किन को हेल्थियर ब्राइटर एंड रेडिएंट लुक दे देता है। स्टेप 6 है हाइड्रेटिंग जेल। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट कर देता है एंड रिड्यूस इरिटेशन सेंसिटिविटी एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेंट्रल हीटिंग एंड एयर हीटिंग से जो भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम होती है वो सब इससे ठीक हो जाती है एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। तो हमें लगाना कैसे है इसको, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 को आपस में मिला लेना है एंड अच्छे से मिलाने के बाद उसको 15 मिनट के लिए फेस पे लगाना है। पूरे फेस पे आप इसको लगाए एंड 15 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। 15 मिनट छोड़ने के बाद उसको आप किसी भी गीले टॉवल से पोंछ सकते हैं, बट 15 मिनट बाद वो क्या होगा, थोड़ी ड्राई हो जाएगी स्किन, तभी आप पोंछना। गाइज ये बहुत अच्छा फेशियल है, तो आप इस पर फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। आँख बंद करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट केयर की बात कर लेते हैं, तो आपको अपने फेस को क्लीन करना है टर्मरिक क्लींजर से एवरी मॉर्निंग एंड नाइट एंड प्रोटेक्ट विद कुकुम्बर एवरी मॉर्निंग। सनस्क्रीम आपको डेली लगानी है, SPF 30 SPF 50 आप लगा सकते हैं। एंड गाइज आपको इसको लगाने के बाद एक हफ्ते तक कम से कम स्क्रबिंग नहीं करनी है अपने फेस पे, स्क्रब बिल्कुल मत करना वरना पूरा फेशियल आपका ख़राब हो जाएगा। अच्छा ग्लो आ गया है एंड ये इंस्टेंट ग्लो वाला फेशियल है और सबसे अच्छा लगा मुझे ये, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेशियल में से है। वैसे मैंने ज़्यादा करा नहीं है, मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट कभी मुझे वेडिंग वगैरह में जाना पड़ता है तो मैंने इस फेशियल को यूज़ किया है। मैंने पहले भी एक बार इसको यूज़ किया है, अब मेरा सेकेंड टाइम है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये वाला फेशियल, बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्राइडल वाला लुक दे देता है। नाम ही इसका ब्राइडल फेशियल ग्लो है एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया है मेरा स्किन, पहले आपने देखी थी एंड अब देख लीजिए। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा एंड अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए एंड इस पर बिलीव कर सकते हैं। बट मुझे एक पार्ट इसका अच्छा नहीं लगता, वो जो वो होता है तोड़ने वाला पार्ट, स्टेप नंबर 3 जो जेल होता है सीरम होता है उसकी जो शीशी होती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसको तोड़ने के चक्कर में आज मेरे हाथ में भी लग गई है। सो इस चीज़ के लिए है कि आप थोड़ा ध्यान से करिएगा वरना हाथ में लग सकती है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, आपको पता है ब्लड निकलता है। तो सो अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है ग्लो। सो इसके लिए 10 out of 9 है, बिकॉज सिर्फ एक नंबर इसलिए क्योंकि वो जो होता है सीसी वो मुझे पसंद नहीं आती है इसकी, बाकी अदरवाइज़ ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ अगर आपको लगा हो कि इससे आप भी अपना फेस पे ग्लो पा सकते हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो मिलते हैं, बाय।